मैम मुनादी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो दौरा आपने शुरू किया है, ये इस दौरे के पीछे रीजन क्या है? देखिए, समय समय पे ऐसे काफी दिनों के बाद मैं रायगढ़ आई। इसके पहले दो बार आ चुकी हूँ। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते हर महीने में हम लोग महिलाओं के बैठक लेते हैं अपनी कार्यकारिणी का, और जवाबदारी सारी महिलाओं को दी गई है विधानसभा स्तर पे। वो विधानसभा में जाके बैठकें लेंगी और वहाँ की स्थिति से अवगत कराएंगे। दूसरी बात, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बूथ कमेटियाँ तैयार कर रही हैं। कुछ जगह हो चुका है और आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, कुछ जगह बचा है, पर शहरी इलाकों में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष वार्ड स्तर पर गठन किए हैं। तो वार्ड कमेटी चुनाव के रिगार्डिंग पूरी आगामी चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और हमारी महिलाएं जिस तरह से आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो कार्यकाल में हमारी सरकार में इतना अच्छा काम हुआ है, वो सारे काम को भी उसके साथ साथ जाके प्रचार करेंगे। महिलाओं के लिए क्या ऐसा काम हुआ है जिसको लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे, महिलाओं के पास खासकर? देखिए, हर जगह सबसे पहले बात आती है तो महिलाओं के लिए बात आती है। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद महिलाएं आज खुश हैं। महिलाएं गोठानों में काम कर रही हैं, महिलाएं गोबर खरीद रही हैं, महिलाएं स्व सहायता समूह चला रही हैं। और इसके पहले मार्केटिंग होता था, आज मार्केटिंग हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह का बना सामान, सिला हुआ कपड़ा विदेशों तक जाने लगा है। डेनेक्स चल रहा है, हमारे दंतेवाड़ा जिला नक्सलाइट एरिया की महिलाएँ, इतना महिला स्व सहायता समूह है जो कपड़ा सिल रही है, बना रही है, वो जापान जा रहा है। मैम, जहाँ जहाँ में चुनाव हुए, अभी कर्नाटक चुनाव में ये देखा गया कि महिलाओं के लिए बकायदा 2000 रुपये महीने की घोषणा की गई, और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हुआ। और दूसरी, आने वाले चुनाव में हम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि महिलाओं के लिए ऐसे कुछ व्यवस्था हो, व्यवस्था करें ताकि महिलाएं घर बैठे अपनी घर द्वार बहुत अच्छे ढंग से चला पाए। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगी कि जिस महिला के घर मैं साक्षात देखी हुई हूँ, जिस महिला के घर में एक गाय नहीं है, एक बैल नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, छोटा सा कमरा बना के रह रही है, और वो आज गोबर बेच के लाखों रुपए अपने अकाउंट में रख रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आने की बात और आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाने की बात केवल हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही कर सकते हैं। तो अगले चुनाव में ये रखा जाएगा कि महिलाओं को भी पैसा दिया जाना चाहिए, जैसे कर्नाटक में देने की घोषणा हुई 2000? बिल्कुल बिल्कुल, हमने मांग रखेंगे और हमें लगता है हमारे मुख्यमंत्री महोदय सुनेंगे, इस बात को रखना चाहिए। एक और इश्यू था मैम, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की बात, महिलाओं के हित में उसको आगे ले जाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है या क्या होगा ऐसा? देखिए, या आप अपने अपने लेवल से इस तरह की मांग उठाएंगे? देखिए, विपक्ष में हम थे और आदरणीय सोनिया जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि महिलाओं को आरक्षण 33% देना चाहिए, और इसमें विपक्ष के होने के नाते इस आरक्षण में हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, इस बिल को पास करिए। फिर भी मोदी जी ध्यान नहीं दिए, पास नहीं हुआ। और रही सवाल कांग्रेस पार्टी की बात, आरक्षण के तहत बगैर मांग रखे उससे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया, चुनाव लड़े, जीत के आए, ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे लाया है, महिलाओं को आगे ला के काम दिया है, काम किए हैं। और ये राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे ग्राम पंचायत, सरपंच, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत में, नगर निगम, नगर पालिका में, सारे जगह आज महिलाएं हैं, ये कांग्रेस की देन है। मैम, आप बस्तर से बिलोंग करती हैं,
बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा बड़ा व्यापक मुद्दा चल रहा है, और वहाँ पे कई बार आदिवासी, आप आदिवासी समाज को भी बिलोंग करते हैं, आदिवासी समाज के बीच में टकराव की स्थिति, वहाँ इसका प्रभाव आगामी चुनाव पे कितना पड़ेगा? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये लड़ाई संघर्ष तो है ना, संघर्ष है, मुद्दा नहीं है, और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई धर्मांतरण अधिकर्ता भी है तो हमारा आदिवासी समाज वहाँ बैठ के निर्णय लेता है, और उससे अधिक कुछ होता है तो आप समझ लीजिए किसी ना किसी का पीछे से हाथ रहता है, जो वो उग्र हो जाते हैं, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपकी सरकार है तो जिसका हाथ पीछे से है, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर, संघर्ष पैदा कर, नारायणपुर की घटना है, हाँ। और वो वहां पे सारे आरएसएस और बीजेपी वाले घुस गए, तो इस तरह का हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या कोई ऐसे लोगों को रोकने के लिए उनके पे FIR हो, कार्रवाई हो, और कुछ लोगों पे हुआ भी है। आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो वहाँ, मतलब आदिवासी के बीच में ही, एक जो कम्युनिटी है उनके बीच में ही संघर्ष पैदा करके उनको बांटने की। और मैं एक बात कहूँ, इसके पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, सबसे ज्यादा चर्च उनकी सरकार में बनी है। सुकमा में जाके देखिए, जगह जगह चर्च बना हुआ है। क्या बात करेंगे, कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे हो रहा है, कहेंगे उनकी सरकार में, उनके कार्यकाल में। चूंकि मैं बस्तर की रहने वाली एक आदिवासी महिला हूँ, और ये साक्ष्य के साथ मैं बता सकती हूँ, सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में हुए। कई लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कई लोग कहते हैं आदिवासी को हिंदू ही बनाना गलत है, क्रिश्चियन भी बनाना गलत है। आप क्या मानती है, आदिवासी क्या है, हिंदू है? देखिए, या आदिवासी ही है, उनको मूल स्वरूप में रहने दिया जाए? बिल्कुल, आदिवासी आदिकाल से रह रहे हैं, और आदिवासी वहाँ के मूल निवासी हैं, कंदमूल खाने वाले, जंगल पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी आदिवासी हैं। आदिवासी का धर्म गोंडी है, और हिंदू धर्म से मिलता जुलता है, पूरा हिंदू धर्म की भी रीति रिवाज और गोंडी धर्म सब मिलता जुलता है। ऐसे मैं कहूँगी कि आदिवासी अपने आप में बहुत बड़ा यूनिटी है, जो अपना सब कुछ कर सकता है। तो वो अलग, मतलब आदिवासी को धर्म के मामले में नहीं जोड़ना चाहिए, न हिंदू से न ईसाई से, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब वो अलग ही कम्युनिटी रहने दिया जाए उनको।